सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन क्रिएटिविटी। सो गाइस, आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का अपडेट्स देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा वही पालक जो हमारी ओवरव्यू में यहाँ जो हमारी लग रही थी, ये हमारे यहाँ पालक हमने एक से दो बार इसको ऑलरेडी हार्वेस्ट कर लिया और अभी भी आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी है। तो अब मैं इसको हार्वेस्टिंग कर लूँगा बाद में। तो अब आगे आते हैं, ये हमारे बैंगन के सब पौधे हैं। बैंगन, टमाटर, अरबी और ये हमारे हरी मिर्चें भी लग रही है। या आप यहाँ फली देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो मैंने एक प्लांट परचेज करा था, यहाँ पर उसका फ्लावर देख सकते हैं। और यहाँ और भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक और प्लांट है जो नर्सरी से परचेज करा था। यहाँ एक आप यहाँ बैंगन देख सकते हैं कितना छोटा सा है। अभी इतने से प्लांट में फ्रूटिंग मिल रही है तो आपको क्या ही चाहिए। तो अभी यहाँ आप आगे देखिए, तो यहाँ हमारे एक और है बैंगन का पौधा। और यहाँ भी देखिए आप, बहुत सारी हो चुकी है, बैंगन के फूल वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये हमारे टमाटर का पौधा। यहाँ भी एक टमाटर लग रहे थे, मैंने यहाँ बहुत सारे गुच्छों में लग रहे थे, वो मैंने हार्वेस्ट ऑलरेडी कर लिए थे। तो आगे आते हैं, अब यहाँ है हमारी गेंदे के पौधे। ये रहे, अब ये गेंदे का सीजन नहीं है तो अब ये पूरा सूख जाएंगे। तो ये बैंगन का है, हो गया। तो यहाँ हमारे हरी मिर्च गाइस आप देख सकते हैं, ये अभी हार्वेस्टिंग के अभी काबिल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चार हरी मिर्च लग रही है, एक एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी। तो गाइस आप देखिए, इतने छोटे से प्लांट में हमारी यहाँ चार हरी मिर्चें ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और भी बहुत सारी अभी आ रही हैं। तो ये हमारा वो कागजी नींबू का प्लांट। और इसमें अब जब इसमें हम लाए थे तो एकदम ये बहुत कम इसमें लीव्स थे, और आप देख सकते हैं अब जो नई नई एकदम ग्रीन लीव्स दिख रही है, वो आप देख सकते हैं वो उसकी नई वाली लीव्स, और जो पुरानी जैसे दिख रही है तो वो पुरानी वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो वैसे ही है। और ये हमारा आम का है। यहाँ हमारे आप देख सकते हैं, यहाँ टमाटर तो बहुत सारे उग रखे हैं। अभी जब ये बड़े होंगे तो लाल होंगे, तो मैं इसके आपको टमाटर की अच्छे से हार्वेस्टिंग दिखाऊंगा और उसकी सेपरेट वीडियो अच्छे से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ आप देख सकते हैं पूरे यहाँ टमाटर ही लग रखे हैं। और यहाँ गाइस आप देखिए, हमारे यहाँ दो चार भिंडी भी लग चुके हैं। एक भिंडी गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये री, अभी हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे सीड्स के लिए रहने देंगे। सीड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक और ये री यहाँ भिंडी, एक और ये री और एक ये री। तो दो भिंडियाँ यहाँ तो बहुत सारे उग रखे हैं। जो गाइस हमारे गाजर के प्लांट थे, आप देख सकते हैं हम अच्छे से हम पानी डाल पाते तो ये ऐसे गाजर के पेड़ ऐसे यहीं मर जाते हैं। तो ये हमारा सूरजमुखी सनफ्लावर का पौधा हमारा ये रहा। जब ये कम से कम इतना लंबा हो जाएगा ना, उससे भी ज़्यादा लंबा जब हो जाएगा, तब जाके उसमें सनफ्लावर आएगा जो मेन उसका फ्लावर होता है। तो ये हमारा गुड़ाल का पेड़, ये पूरा इसमें फ्लावर तो इसमें इस मंथ में नहीं आते, ना ही ये आते गर्मियों में। तो अब आगे आते हैं, ये आलू का लग रखा है। यहाँ टमाटर तो दिखा दिए, यहाँ भी टमाटर ही लग रखा है। यहाँ अभी फूल वगैरह तो आ ही रहे सब में, तो बढ़िया है अब। तो यहाँ हमने छोटे छोटे थे ये, अब सब टमाटर और बड़े हो गए। और गाइस रिसेंटली मैंने एक वीक पहले मैंने आप भिंडी के बीज बोए थे, और आप देख सकते हैं चार बीज यहाँ हो चुके हैं, जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए चार तो हो ही चुके हैं। अभी हमने बहुत सारे बोए थे, अब देखेंगे अभी आने वाले दिनों में कितना होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं, ये है हमारा अमरूद का पौधा। इसमें नेक्स्ट मंथ तो इसमें ज़रूर से अमरूद आ ही जाएंगे। गर्मियों में इसमें अमरूद वगैरह आते हैं, तो अब देखते हैं जो भी होगा आपको ज़रूर से दिखाएंगे हम। तो गाइस आप देखिए, ये हमारा कड़ी लीव्स और कड़ी पत्ता का पौधा है ये हमारा। और गाइस आप यहाँ ऊपर इसके सीड्स देख सकते हैं कितने सारे हो चुके हैं। अभी ये कच्चे, जब और बड़े, इतना कम से कम इनका साइज होगा अभी, तो अभी इनका तो छोटा ही साइज है। तो जब बड़ा होगा और जब येलो होने लगेंगे तब आप इन्हें हार्वेस्ट कर दीजिए। आगे आते हैं, ये हमारा छोटे से पॉट में हमारा कड़ी पत्ता लग रखा है। यहाँ रोज लग रखा है। और यहाँ एक और फ्लावर है, यहाँ हमारा
खीरा लग रखा है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ ये है हमारे और खीरे के फूल। और गाइज आप देखिए ये हमारा छोटा सा खीरा, आप देख सकते हैं, एक मिनट ये देखिए गाइज ये हमारा छोटा सा खीरा ये रहा। तो अभी तो इतना ही है, अभी जब बड़े होंगे तो मैं और अपडेट्स आपको बताते रहूँगा। और पीछे और है आम के पौधे ये रहे, और टमाटर भी इस बार तो टमाटर बम्पर हो रहे हैं एकदम, बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी बड़ा हो गया, अभी और बड़ा होने दो, जब लाल वाल होंगे तब तोड़ेंगे इन्हें। ये हमारे एक और टावर का पौधा है, ये हमारी तोरी है, तोरी की बेल। और बस अभी इतना ही है, अब यहाँ आगे आते हैं। यहाँ आम का पेड़ है, अभी इसकी नई ग्रोथ तो शुरू नहीं हुई है लेकिन ज़रूर से अभी जल्दी से हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ अब जितने भी टमाटर के जितना पेड़ ओल्ड होते रहेगा उतना ही वो फिर मरते रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा एक और ये पेड़ पूरा ऐसा हो चुका है, एकदम डेड हो चुका है, लेकिन कोई नहीं वो हो जाएगा रिकवर। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे भिंडी भी इस बार खूब लगी हुई है, एक और भिंडी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी भिंडी। तो यहाँ देखिए ये टंकी में हमारे वही जो लग रखे थे प्लांट, अब इनमें सब टमाटर तो फ्लावरिंग एकदम भर के फ्लावरिंग हो रही है एकदम अच्छे से। और यहाँ टमाटर भी आ रखे हैं देखिए दो दो में, यहाँ भी आ रखे हैं थोड़े बहुत, फ्लावर्स भी बहुत सारे हो रखे हैं। और गाइज आप यहाँ देखिए ये हमारा दूसरा खीरे का प्लांट, उसके आप यहाँ देखिए यहाँ भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रखे हैं। और आप गाइज अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा सेकंड वाला खीरा, तो अभी इसमें बहुत सारे लगेंगे, अभी तो बस एक दो ही लग रहे हैं, लेकिन अभी जब और ओल्ड होते रहेगा तब उसमें आएंगी फ्रूटिंग वगैरह होगी। तो ये हमारा अब अनार का पौधा देखिए, होपफुली इसमें और अमरूद के दोनों में हमारे यहाँ नेक्स्ट मंथ तो फ्रूटिंग हो ही जानी है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में पूरी फ्रूटिंग होती है। तो देख ही सकते हैं इनमें अभी क्या कहते हैं, इनमें अभी कीड़ों का अटैक तो हुआ था, आप देख सकते गाइस इनके पत्ते देखिए पूरे खाए हुए हैं। देखिए अभी मैंने इनमें दवाई डाली और वो एकदम ऑर्गेनिक दवाई है, और अगर आपको भी अपने घर पे ऑर्गेनिक दवाई बनानी है तो मैं उसकी भी आगे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसे ज़रूर से देखिए। और आगे आते हैं तो यहाँ हमारे टमाटर लग रहे हैं, देखिए ये हमारे टमाटर है, यहाँ टमाटर है, फूल भी आ रखे हैं इनमें, मिर्च है। सो गाइस अब इधर आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा तोरी का पौधा, और यहाँ आप इसके सीड्स देख सकते हैं, देखिए ये रहे इसके सीड्स, ये रहे सीड्स। और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारी एक और छोटी सी तोरी लग रही है। सो गाइस देखिए अभी हमारी सेकंड वाली यहाँ तोरी की बेल, आप देख सकते हैं कितनी नीचे से यहाँ कितनी बड़ी हो चुकी है, और इसमें अभी तो तोरी आनी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ छोटी सी, अच्छा यहाँ छोटी आ ही चुकी है तोरी, अब जब बड़ी होगी तो हम आपको इनकी हार्वेस्टिंग और आगे अपकमिंग रिजल्ट्स भी अपडेट्स दिखाते रहेंगे। तो अब दूसरी साइड आते हैं। सो गाइज आप देखिए ये है हमारा वो वर्टिकल प्लांटिंग वाला पौधा, इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें बाद में टमाटर भी लगा दिया था। और गाइस जो हमारे यहाँ पपीते भी उग रखे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ बाहर से देखिए ये पूरे यहाँ पपीते उग रखे हैं, ऊपर वाले जो दूसरी बोतल है उसके अंदर भी खूब सारे पपीते उग रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस जो जो पपीते के बीज है हम कहीं बाहर से नहीं लाया है, ये जो हम लोग घर पे पपीता खाते हैं हमने उससे ही जब बाद में सीड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। तो अब ये वाली ऊपर वाली अभी हम आपको दिखाएंगे, ये वाली बोतल में भी कैसे पपीते के प्लांट लग रखे हैं। सो गाइस आप देखिए ये हमारे सेकंड वाली बोतल, तो यहाँ हमारे पपीते आप देख ही सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं, नीचे वाले से तो एक बड़े ही है। तो गाइस बस इस साइड का तो इतना ही है, अब नेक्स्ट वाली साइड आते हैं। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी सीडलिंग ट्रे मैंने नर्सरी से परचेज करी थी, और यहाँ हमारे वही पपीते उग रखे हैं, यहाँ हमारा अनार उग रखा है, अनार के भी बीज उग रखे हैं, यहाँ भी ये है, ये है दोबारा पपीता है, यहाँ भी आपका पपीता ही लग रखा है, यहाँ हमारे अनार लग रखे हैं एक, और यहाँ भी पपीता पपीता
और बाकी जो ऐसी ग्रास वाले हैं वो ऐसे गोबर में उग जाते हैं। सो अब आगे दिखाता हूँ। सो अब आप यहाँ देखें तो ये हमारे नींबू के प्लांट है गाइस, जिसमें तीन चार नींबू तो आ ही चुके हैं, तीन चार नहीं मतलब दो आ चुके हैं और एक उसमें फ्लावर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये है हमारा फ्लावर, जिसके पोलन्स भी देखिए अब विजिबल हो गए। यहाँ आप देखिए ये हमारा छोटा सा नींबू, छोटा सा एकदम, और यहाँ एक और हमारा छोटा सा नींबू आप देख सकते हैं, टाइनी टाइनी। और ये बस इतने से प्लांट में हमारे तीन नींबू रेडी भी हो गए, अभी रेडी नहीं हो गए, अभी होंगे। तो आगे आते तो ये हमारे मिर्ची का प्लांट गाइस देखिए, इतने बड़े प्लांट हो चुके हैं और इनमें अभी भी मिर्चे नहीं आई है, तो होपफुली आने वाले टाइम में आ जाएंगी इनमें मिर्चे। सो यहाँ हमारा देखिए गाइस, हमारा जो हमने मिंट हार्वेस्ट करा था, पुदीना हार्वेस्ट करा था, उसमें देखिए अभी दोबारा रिकवर हो चुका है, बहुत सारे इसमें लीव्स आ चुके हैं अब। और यहाँ हमारा हर्ब्स का है और यहाँ एक और पुदीना उग चुका है एकदम बढ़िया से, यहाँ कड़ी पत्ता उग रखा है, यहाँ हमारा ये थोड़ा सा उगा है बड़ा हुआ। और यहाँ हमारा गाइस आप देखिए, ये हमारा टमाटर का प्लांट था, इसमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह इसमें लग गए थे, कीड़े वगैरह। और यहाँ देखिए तो पूरा ये सड़ चुका है। सो गाइस अब आप यहाँ देखिए, यह हमारा वही सबसे बड़ा ये हमारा रोज का प्लांट, गुलाब ऊपर आप देख सकते हैं हमारा कितना मस्त उग रहा है, नीचे एकदम लीव्स ही लीव्स और ऊपर एक ये गुलाब खुल रहा है और यहाँ दो और लग रखे हैं, तो बहुत मस्त लगेंगे दिखने में। और यहाँ हमारे पपीते भी देख सकते हैं गाइस, कितने मस्त उग रहे हैं, एकदम सूखी डंडी हो गया थी, इसमें एक दो ही लीव्स आ रही थी और आप देख सकते हैं कितनी सारी उग चुकी है, अभी भी और भी आ ही रही है इधर। तो अब दूसरी वाली साइड आते हैं। तो गाइस देखिए टमाटर का बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, आगे आता ही है हमारा आम का। गाइस देखिए कितना लंबा हो चुका है, कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एक दो फिट का तो हो ही गया होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया होगा, छः सात फिट का हो गया होगा ये। तो गाइस मेरे को होपफुली इसमें लग रहा है कि इसमें आएंगे आम, तो जब भी आएंगे तो मैं आपको उनकी बताऊँगा रिजल्ट वगैरह। तो यहाँ आगे देखिए तो हमारे यहाँ तुलसी लग रही है, यहाँ मनी प्लांट लग रहा वही है, तो अभी तो थोड़े थोड़े ही बड़े हो रहे थे, सभी सभी थोड़े बहुत इनकी ग्रोथ तो बड़ी हुई है। ये हमारे आप सोयाबीन देख सकते हैं, और गाइस मेरे को आपको एक और चीज़ दिखानी है सोयाबीन। सो गाइस अब आप यहाँ देखिए, यह हमारा वो सोयाबीन का प्लांट, और आप यहाँ देख सकते गाइस इसके फूल देखिएगा, इसके तरह मस्त लगते, छोटे छोटे पर्पल टाइप उनका कलर है, सिर्फ पर्पल ही हो जाता है। तो आगे आते हैं, अभी थोड़े ही प्लांट्स बचे हुए हैं, तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ और अपडेट्स दिखाता हूँ। यहाँ आप देख ही सकते हैं फूल वगैरह लग तो रखे, उड़ा लग रखे, और यहाँ छीमी लग रखी है गाइस, फली लग रखी है यहाँ हमारी देख सकते हैं। और है, तो थोड़ा ही थोड़ा बड़ा हुआ है, देखो ज़्यादा तो हुआ नहीं। यहाँ देखिए यहाँ दोबारा मनी प्लांट थोड़ी सी इसकी ग्रोथ तो बड़ी होगी। सो आप यहाँ और देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पुदीना भी उग चुके हैं, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, देखिए अभी उग चुके हैं। और मैंने इनको तो जो पुदीना की हमारी सिर्फ एक डंडी होती है उसको ही मैंने यहाँ मिट्टी में बो दिया था और वो ही उग गया, तो बढ़िया है। यहाँ हमारे आप केले देख सकते हो कितने बड़े हो चुके हैं, और यहाँ हमारे एक और पत्ते हैं केले का फूल रहेगा इस, देखिए ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं सब कुछ। और यहाँ सोयाबीन है भाई देखिए, ये सोयाबीन हमारे यहाँ केले के पत्तों पे लिखते जा रहे, देखिए इतना इसका शेप ले चुकी है। तो बस इतना ही सा था भाई, ये छोटी सी है मैंने अपडेट आपको बताई अपने टेरेस गार्डन की। सो मेरे को कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी है अपडेट वाली वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल देन बाय बाय।